पावर के रोल से मुराद ये है कि किन हाथों से किन सर्कल से अथॉरिटी जो है वो अफराद की ज़िंदगियों में आती है और फिर अफराद इसके साथ अपना ताल्लुक़ कैसे बनाते हैं सो हाउ द वर्ल्ड अराउंड देम इज़ ऑर्गेनाइज अफराद के इर्दगिर्द ज़िंदगी कैसे मुनज़म है किसने की है दो प्रसपन्स इन टर्न शेप एंड डिफ़ाइन इंडिविजुअल्स definitions डेफिनेशन ऑफ हो दे आर एंड हाओ दे शुड बिहेव इन दोलिटिकल एंड इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन विच दे लिव यानी हमारा सियासी रवैया हमारा रवैया जो है इस सब के पीछे जो अहम फैक्टर है वो ये है कि पावर ने हमें ऑर्गेनाइज़ कैसे किया और हमें मुनम कैसे किया इसमें कार मार्क्स और मैक्स वेबर ने जैसे पावर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया वो पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट के लिए समझना भी ज़रूरी है और पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट के इस कॉन्सेप्ट को हम मुआरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं वो अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कार्ल मार्क्स के नज़दीक उसने ये बात की दैट इकनॉमिक स्ट्रक्चर्स लाइक कॉरपोरेशंस ओनर्स ऑफ कैपिटल एंड मोर इमीजिएटली द बॉस रिप्रेजेंट सोसाइटल सोर्सेज ऑफ पावर कार्ल मार्क्स के नज़दीक जो भी जिन लोगों के पास जराएँ हैं जो कंपनीज के मालिक हैं जो बॉस हैं बेसिकली वो डिटरमिन करते हैं पूरे सोशल स्ट्रक्चर को और माशरे के अंदर पावर की गेम को और पावर के पैटर्न को ऐसे ही मैक्सवेबर के नज़दीक जो थीम है बुनियादी तौर पर वो ये है कि जो पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट हैं उनको फॉर्मल वे में इन चीज़ों को समझना चाहिए यानी पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना जरूरी है कि किन अदारों के पास पावर है और वो अदारे लोगों को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे लेकर चलते हैं क्योंकि वेबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम कार्ल मार्क्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट पावर वाज नॉट सिंपली जस्ट अबाउट इकनॉमिक रिलेशनशिप कार्ल मार्क्स का ये ख़्याल है कि जिसके पास मौशी ज़राए हैं उसी के पास पावर है लेकिन मैक्सवेबर का ये ख्याल है कि पावर को सिर्फ इकनॉमिक्स के साथ माशियात के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए बल्कि इसको हमें समझना है दैट द फंक्शन ऑफ सोशल पैटर्नस कल्चर सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये सब जो हैं ये पावर की रिफ्लेक्शन है यानी सोसाइटी के अंदर जो नेचर ऑफ द सोसाइटी पॉलिटिक्स रिलेशनशिप है यानी आपका आपके यहाँ एलिट कौन है आपका रूलर कौन है आपको रिप्रेजेंट कौन करता है ये सब के सब जो सिलसिले हैं इनके लिए इनकी जो रिफ्लेक्शन है वो मिक्स वेबर की थेरी से होती है बिकॉज पावर इन डिसीजन मेकिंग क्योंकि पावर का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर के नज़दीक वो ये है कि माशरे के अंदर आप के जो डिसीजन मेकर्स हैं जिनके पास फैसला साजी की कुवत है वो डिटरमिन करेंगे कि नेचर ऑफ़ पावर क्या है यानी अथॉरिटी कैसे लोगों की जिंदगियों को बनाना चाहती है और अथॉरिटी किस किस्म का रिलेशनशिप चाहती है माशरे का और सियासत का क्योंकि अगर ये ऑर्गेनाइज होगा अगर ये रिलेशनशिप मुनम होगा इसी वजह से मिक्स वेबर ने रैशनल एक्टर अथॉरिटी की बात की उससे कहा कि बकायदा एक मनम निज़ाम रिक्वायर्ड है जिसमें वो लोग पावर में आने चाहिए जिनकी तरबियत हो जिनके पास एजुकेशन हो जो माशरे को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चल सकें ना कि काल मार्क्स के फिलॉसफी की तरह जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ मौशियात पर है मौशी तकसीम पर है अगर वो जस्टिफाइड नहीं है अगर मुनसफाना नहीं है तो ऐसे मुआरे के अंदर फिर ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाती है